शिवपुरी जिले के कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया। भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दो पेज के लिखे पत्र में ढेर सारे आरोप लगाते हुए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आइए सुनते हैं विधायक की जुबानी इस्तीफे की कहानी। माताओं की सेवा में खड़ा हूं। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर ना कोई विचार कर रही है ना करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं, 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे है वो इस्तीफा देता हूं, और मेरे क्षेत्र जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2-4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा, और नहीं तो 2003 से आज तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। आप सबके जैसे सुझाव आए मैं कदम निर्णय नहीं है, ना मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया है, ना मैंने शिवपुरी विधानसभा का, ना कोलारस विधानसभा का मुलाकात, मैंने मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं है। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है, मुझ तक भी आती है। अगर आपको मौका देती है शिवपुरी से तो आप चुनाव लड़ेंगे? ये कहीं पार्टी में दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं वीरेंद्र रघुवंशी बजमदारी से कदम उठाता हूँ। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कांग्रेस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है, आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं, दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर। प्रताड़ना के कारण दे रहे? बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर कांग्रेस अगर शिवपुरी से मौका देती है, कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी और प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव, सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं। एक सरपंच के कहने पर कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेग है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी की कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता हूँ या नहीं रहा, मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है।
शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कांग्रेस का मैं रहने वाला हूँ, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस से विधायक होकर जनसेवक हूँ। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हो या उनके सिपा सालार हो, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की थी, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा कि कांग्रेस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, नल जल योजनाएं हो, कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, बस स्टैंड हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हो, सड़कें हों, अमृत सरोवर तालाब हो, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो दो सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान DFO ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया, जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया। 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहाँ लोकार्पण किया। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहां तक कि एक नहीं, दो दो तीन तीन बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। इन सारी चीजों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व तो भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व तो कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में, शायद मुझसे ये भूल हुई कि KP यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके, मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का, प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला। और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में CM हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती है, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक अहम इनके मंत्रियों में है जो प्रदेश को शर्मसार कर रहे। आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है, मैं राजनीति में नहीं था। जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था, आप सब ने प्रेम दिया। विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम पड़ी, जनसेवा करना चाहता हूँ। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार। ये सिंधिया के जो मंत्री है सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की CM हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे मूल
भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व में उचित नहीं समझे। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूँ ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारा जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूँ। 2-4, 6-8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है, तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। कारण है कि अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे आज से, ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा, मैं भी अपने जो शुभचिंतक है जनसेवा में मेरी मदद करके 500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा।